एक ये बैठा, इसके ना पाँव में पता नहीं क्या हो गया, जब ये चलता है ना तो लंगड़ा के चलता है। गीत जगह गुड्डू, गीत जगह। अरे बोलो गुड्डू, रेल आई, चुप चुप चुप। देखा, आग जला दी आग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं फिर से अपने एक नए व्लॉग में। तो गाइस, आपको मेरी आवाज सुन के ऐसा कुछ लग रहा होगा कि मेरे को ना भाई एक मतलब एक वीक हो गया, एक वीक से ना जुकाम हो रखा था बहुत, मतलब ऐसा हाल हो रखा था कि मैं उठा भी नहीं, एक वीक से ऐसे ही पड़ा हूँ, कुछ भी नहीं किया, मेरा व्लॉग भी नहीं आया, आपने देखा होगा एक वीक से, और तब से मतलब ऐसे ही चल रहा है। और सबसे पहले बात हमारे गुड्डू को, फिर मम्मी को हो गया, फिर मेरे को हो गया। इतनी ठंड भाई साहब, इतनी ठंड, मतलब इस लेवल की ठंड पड़ रखी है ना, 15 हमारे यहाँ ना मतलब 15 से 16 दिन हो गए भाई सूर्य नहीं निकला, सूरज ने अपने मतलब दर्शन ही नहीं दिए सूर्य देव ने, और कल निकला थोड़ी देर के लिए और आज फिर वही हाल कर दिया। देखो आज तो आपको फिर भी थोड़ा बेटर लग रहा होगा कि मतलब ऐसे रोशनी रोशनी दिख रही है, पर नहीं तो और दिन तो धुंध भी और दिखता ही नहीं था कुछ भी, ऐसा ही मौसम देखियो, मतलब ऐसे बादल बादल से रखे थे, आज भी मतलब ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी हवा, यहाँ से खड़े हो जाओ ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। ठंड ने तो भाई साहब मतलब अब की बार तो मेरे को ऐसे लग रहा है पिछले साल भी इतनी ठंड नहीं पड़ी थी जितनी ठंड अब की बार पड़ गई है, हद ही कर दी ठंड ने। अभी गाइज मैंने 10:30 बजे ब्रेकफास्ट किया और अभी मैं आया हूँ अपना काम करने के लिए पीछे की साइड। ये देखो हमारे घर पे आज पिकॉक मोर भी आए हुए हैं, छोटे गुड्डू बोलते हैं पिकॉक मोर। एक ये बैठा, इसके ना पाँव में पता नहीं क्या हो गया, जब ये चलता है ना तो लंगड़ा के चलता है ऐसे, मतलब एक पैर उठा के। ठंड में देखो कैसे बैठा हुआ, हिल भी नहीं रहा। ये हमारी भैंस से भी हमने बाहर ही बांधी हुई यार, अभी मैं अपना काम करूँगा। देखो घास तो घेर गया, मैं नहीं लेके आता अब घास, देखो अंदर से। ये देखो भाई सारा उठाऊंगा मैं। देखो कि व्लॉग में क्या क्या दिखाता है, ये देखो ये ना पैर पे देखो चोट लगी हुई है, बहुत। पिकॉक मोर हमारे घर आते ही रहते हैं, पिकॉक मोर। ये देखो एक मोर ने भी आई हुई है इधर, कहाँ गई, मेरे से डर के चली जा रही है उधर। ये रही देखो, ये इधर, ये मोर नहीं है ये मोर है, दोनों इधर आए रहते हैं हमारे इधर घर पे। ये देखो हमारे गुड्डू भी आएगी, वो बाहर गई हुई है खेलने के लिए, बहुत दिनों बाद गई है ना, आज थोड़ा मौसम सा ठीक है तो घूम के आएगी अभी वो थोड़ी देर बाद। ये आ गए भाई हमारे गुड्डू, इतने दिनों बाद गुड्डू खेल के आए, अपना टोपो उतार के रख दिया, ये ओढ़ लिया दूसरा बड़े वाला टोपो, ओढ़ते गुड्डू हमारे। गुड्डू कहाँ घूमी घूमी करने गए थे आप? कहाँ गए थे घूमी घूमी करने आप? ये कहा गीत जगह गुड्डू, गीत जगह। अरे गीत जगह गुड्डू। ये देख लो माँ दादी पोती दोनों घूम के आए भाई बाहर। गुड्डू क्या क्या करते रहते हो आप सारा दिन? ये देखो ये ऐसे ऐसे काम करती रहती है सारा दिन, अब इतने दिनों बाद खेल गए, ऐसे कह रही म्यूजिक बजा दो, देख ये देखिए खुद ही बजा रही है म्यूजिक भी, ये ठंड में बेचारी अंदर ही अंदर पड़ी थी ये भी 2 हफ्ते। गुड्डू ये क्या लेके आए उठा के स्टैंड से? देख क्या ये काके है? क्या कर रहे हो आप इनका? हाँ गुड्डू बैठ गए तो नीचे। ये देखो भाई, देखो घास डालने के लिए, अभी घास डालने का टाइम हो, बैस कर रही, देखो सिंधा बुलाया मैंने। अरे देखो आके क्या कर रहा है, देखो आग जला दी आग भाई, ठंडी हवा चल रही, देखियो आग भी कैसे चल रही, देखियो देख सिखाई देख कैसे कर रहा है। और मैं अभी काम करा नहीं, पहले ही जला दिया, मैंने कहा था मैं बाद में जलाना, मैं भी सीखूंगा। देख ले भाई इसके काम देख लो, भैंस बेचारी इतनी ठंड में बाहर ही खड़ी है, देखियो अब इनका घास डाला, अब इनको अंदर बांधूंगा। अरे ये देखो ये बैठ गए तो भाई, बहुत ही हवा चल गई, सुबह तो इतनी हवा नहीं थी, अब ज्यादा हवा चल गई, धुआं 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 धुआं। ये देखो गाइस आखिरकार सूर्य देव ने दर्शन दे ही दिया भाई, थोड़ा थोड़ा सा सूर्य देव अब दिखने लगा है। ये देखो गाइस कैसा कैसा सा मौसम लग रहा है ना, देखो चारों तरफ बादल
और बीच में सूर्य देव देखो। चलो अब थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं। अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मौसम ठीक हो गया, अब थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। उधर वाले घरों में जा के आते हैं, उधर वाले घरों में नहीं गया। ये देखो गाइस हमारी तुलसी माता भी सूखने लगे, ठंड का प्रकोप दिखने लगा। देखो है ना कैसे सारे पत्ते ना देखो कैसे हो गए, अभी सारी बिल्कुल सूख के ना झाड़ हो जाएगी, मतलब सारे पत्ते देखो कैसे कैसे हो गई। अभी नहीं इतनी सारी जगह पे ना ढक भी नहीं सकते हैं, तो देखो सारी कैसे हो गई। देखो कैसे धूप आ रही है यहाँ पे, वाह मस्त लग रहा है। सूर्य देव निकले हुए, अब यहाँ से थोड़ा बाहर घूम के आते हैं गाइस। वो देखो ये सूर्य और का घर, सूर्य का जन्मदिन था परसों, मेरे मिनी व्लॉग में देखने को मिलेगा आपको सूर्य का जन्मदिन। भाई मैं इधर पहुंच चुका हूँ और इधर वाले घरों में ये देखो, और ना मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ इधर वाले घरों में, क्योंकि मैं उधर ही उधर भाई रजाई रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। तो इधर वाले घरों में बहुत दिनों बाद आया हूँ, बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम बाद। और इधर ना ये बहुत सील रहती है यार घरों में, देखना कैसे मतलब गिल्ला हो जाता है बिल्कुल सील से। लाइट जला देता हूँ, लाइट ऑन। ठंडी हवा चल रही है बहुत, ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा, देख के आते ऊपर जाके क्या चल रहा है इधर गांव में आजकल। ओ भाई सब ऊपर नहीं जाया जाएगा, बहुत ठंड हो रही है। देखो कोई नहीं दिख रहा भाई, एक आधा बंदा दिखेगा नहीं, सड़क खाली बिल्कुल, ठंड में कोई बाहर नहीं निकलता, सब अंदर पड़े रहते हैं। देखते हैं रूम, हमारे रूम देखिए यार, ये कमरे का तो दरवाजा ही टूट गया, इस कमरे का दरवाजा टूट गया ये यहाँ से, ये देखो कैसे हिलता है बिल्कुल, बंद भी नहीं होता ये। ये दोनों के भी लॉक लगे हुए, अब आता ही नहीं ना कोई इधर, क्योंकि ठंड हो रखी है यहाँ। और इधर इन वाले घरों में तो बहुत ठंड लगती है, बहुत ज्यादा जुकाम ने तंग रखा है यार मेरे को तो। ये रखा इधर ताला अभी लगा के, और अभी वापस चल पड़ते हैं अपने घर, जागे रजाई में बैठेंगे, बहुत ठंड है। ये देखो बिल्ली, इधर देखो माँ जी और ने कितना अच्छा बना रखा है पार्क, इनका छोटा सा पार्क है। यहाँ पे कितने सारे सब्जियाँ वगैरह भी लगा रखी है, देखो उधर सारी सब्जी मिलेगी उधर, प्याज भी लहसुन भी पालक देखो सब कुछ लगा रखा है इधर। वो खड़ी काकोर की कंपैन वो खड़ी रहे, इधर ही खड़ी रहती है। चलो गाइस मैं तो यहाँ पे लॉक लगा देता हूँ गेट पे और फिर चलते हैं घर। देखो गाइस अब मैं पहुंच चुका हूँ घर इधर, और ये देखो भाई बिल का, देखो कहाँ पे लगा देते हैं बिल, बिजली बिल जो आते हैं ना लाइन मैन देने के लिए, देखो यहाँ पे डाल के चले जाते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं बिल हम। देखते हैं हमारे इस घर का बिल कितना है, तीन तीन दो बिल आते हैं, एक इधर वाले घर का और एक उधर वाले बिल, उधर वाले घर का दो बिल आते हैं देखो दो। सर्दियों में तो भाई भाई बहुत ज़्यादा बिल आता है ना, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा बिल आता है हमारा, सर्दियों में तो फिर भी कम आता है। जैसे उधर वाले घर का तो आया है, उधर वाले घर में तो एक लाइट ही जलती है ना, तो 113 ही रुपये आए हैं, इधर वाले का 500 रुपये आ रखा है, क्योंकि सर्दियों में बस लाइट ही लाइट जलती है और तो कुछ होता नहीं, तो दो बिल का इतना। और भाई गर्मियों में तो 12-12 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये आता है हमारा इस घर का बिल। अब ये भरेंगे, ये देखो भाई घर में आ गया मैं और मम्मी जगह पे लगी हुई है बातों में, और देखो मज़े, देखो मज़े, हीटर भी चल रहा है साथ के साथ। ये देखो इधर मम्मी हीटर की सिकाई कर रही है पूरी, भाई हीटर चला रखा है मज़े से, वाह। और टीवी देख रही है और बातें करने लग रही है अपनी माँ से। मैं भी अभी थोड़ी सी गरम गरम हीट के आगे बैठूंगा। गाइस तो आपको हमारे व्लॉग कैसा लगा, मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ गाइस, और बहुत दिनों बाद मेरा व्लॉग आया, तो जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत अच्छे से व्लॉग आपको देखने को मिलते हैं।